नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज धरने का 14वां दिन है और आप यहाँ आए हो समर्थन करने, क्या कहना है बताओ आपका। कैलाश जी, हम सभी साथीगण श्री गणेश व्यायामशाला बालचंदपाड़ा बूंदी की ओर से नंदीशाला निर्माण के लिए चल रहे धरने पर आज सभी सदस्य उपस्थित हुए हैं। ये धरना पिछले लगभग 14 दिनों से चल रहा है, आज धरने का 14वां दिन है और सर्वप्रथम तो मैं इस धरना स्थल पर सभी जो गोभक्त और जो भी धरना स्थल पर लोग बैठे हुए हैं उनका हृदय के गहन तल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अपनी पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को छोड़कर और गौ माता के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और ये उनका कृत्य जो है ये बहुत सराहनीय है। और नगर परिषद बूंदी द्वारा जो नंदीशाला के लिए भूमि आवंटित की गई है उसका शीघ्र निर्माण होना चाहिए, क्योंकि हम आए दिन प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं कि नंदीशाला की कितनी दुर्गति हो रही है। आए दिन रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, इसके अलावा गौ माता और नंदी भी चोटिल हो रहे हैं। ऐसे ऐसे फ़ोटो आते हैं जिनको हम देखते हैं तो हमारा हृदय भी भर आता है और हम भी सोचने पर एक बार मजबूर हो जाते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पर प्रशासन को, नगर परिषद प्रशासन को तुरंत जो है आकर के धरना स्थल पर आकर के बात करनी चाहिए और इस निर्माण को शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करना चाहिए ताकि बेसहारा घूम रहे गोवंश और नंदी बाबा को एक अच्छा स्थान मिले जहां ये सुरक्षित रूप से रह सकें। और शहर में जो यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग जो नंदी के शिकार हो रहे हैं और उनसे राहत मिलेगी और शीघ्र अतिशीघ्र इसका निर्माण होना चाहिए। इसमें देरी कतई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल वाजिब मुद्दा है और इस मुद्दे पर भी अगर लोगों को संघर्ष करना पड़े तो ये शायद शर्म की बात है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सभी बोलो गो माता की जय, बोलो नंदी बाबा की जय। धरने का 14 दिन अभी तक कोई आश्वासन मिला नहीं, हो सकता है गोपाल गोवा संस्थान को आगे प्रदर्शन करना पड़े तो आपका क्या रुख रहेगा इसको? धरने के 14 दिन हो गए, ये बात जग जाहिर है और गोपाल सेवा संस्थान को विभिन्न संगठनों के माध्यम से सहयोग मिल रहा है। रोज़ नए नए संगठनों के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और लोग आकर के इनका सहयोग कर रहे हैं। अगर फिर भी इनकी मांग, जो जायज़ मांग है, अगर वो जल्दी ही पूरी नहीं होती तो जैसा भी निर्णय गोपाल के गौ सेवा संस्थान लेगी हम उनके निर्णय के साथ दिन और रात जब भी हमें बुलाएंगे हम तन मन धन से हमेशा खड़े रहेंगे। आपका नाम और पता डालो। पवन कुमार मलिक। गोपाल गौ सेवा संस्थान द्वारा पिछले 14 दिन से निरंतर नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है, आप समर्थन करने आए हो, बताइए क्या कहना है आपका? पहले तो मैं गोपाल गौ सेवा संस्थान का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। बूंदी के युवाओं की ओर से, बूंदी के सभी अखाड़ों की ओर से मैं गोपाल जी भाई साहब और उनके जो टीम गोपाल सेवा संस्थान की कार्य कर रही है इसलिए उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। देखा जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हम युवाओं के लिए नहीं होगा कि आज हमारे होते हुए बूंदी जिले में गोवंश को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं खुद आज से 3 से 4 दिन पूर्व हुई घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ, गवाह भी हूँ, जहाँ पर पशु चिकित्सालय का जो मुख्य द्वार है उसकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा था और मुझे तब संशय भी हुआ इन लोगों की बुद्धि पर कि जब आप पशु चिकित्सालय के मुख्य द्वार का निर्माण कार्य कर रहे हो तो आपने कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई जहाँ पर अन्य साधनों के माध्यम से गोवंश को अंदर तक पहुँचाया जा सके। आज से कुछ दिन पहले, वैसे तो नियमित रूप से जिले भर में जहाँ भी कोई भी एक्सीडेंट गोवंश के साथ होता है वहाँ गोपाल गौ सेवा संस्थान की टीम पहुँचती है, परंतु हट्टीपुरा और तालाब गांव के समीप एक एक्सीडेंट का मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा था, वहाँ गोपाल सेवा संस्थान की टीम पहुँची, गोवंश को लेके आई और मैं खुद गवाह हूँ कि उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ा, पुराने गेट को खोलना पड़ा, वहाँ से सारे सामान हटाए, वहाँ से गोवंश को हाथों से उठाकर वहाँ पहुँचाना पड़ा। जिन लोगों को लगता है कि ये सब आसान काम है उनसे आग्रह करूँगा एक बार केवल एक गोवंश की सेवा करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कितना आसान काम है। बोलो गौ माता की जय। अपने तेवर सुधारे, नगर परिषद अपने तेवर सुधारे वरना भूले नहीं, आज भी हमें न्याय के लिए आपकी जरूरत नहीं है। हमारे राव भाव सिंह जी दरबार बैठे हुए हैं बूंदी में, अगर इस धरने से उठ के हमें राव भाव सिंह जी तक जाने का काम करना पड़ गया
एक बार अगर रघुबाव सिंह जी के यहाँ इस धरने की गुहार लग गई तो फिर बूंदी का प्रशासन हमारे आगे कुछ नहीं कर पाएगा, 100 बार अपना सर झुकाना पड़ेगा। एक बार निवेदन कर रहे हैं धरना स्थल पर बैठकर शांतिपूर्वक इस धरने की मांग को समझें, अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करें। अगर बूंदी का युवा, गोपाल सेवा संस्थान, सनातन धर्म अखाड़ा समिति जिला बूंदी और अन्य सभी सामाजिक संगठन बाजार में उतर गए तो आपके लिए इस माहौल को संभालना बहुत दुर्दयी हो जाएगा। जय श्री राम। आपका नाम और बताओ। उत्तर सिंह चौहान, गणेश नाम चला। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर धरना चल रहा है, आप आए हो, क्या कहना है बताओ आपका। आपका नाम और पद बता दो। ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। ठीक, हाँ जी। चल रहा है बेसारा, सड़कों पर घूम रही है और ट्रेन में बेसारा गए, दुर्घटना भी हो रही है। जिला परिषद से, नगर परिषद से ये कि गौशाला का जल्द से जल्द निर्माण कार्य करवाया जाए। प्रथम पार्टी जिलाध्यक्ष के निर्माण इस नंदी गौशाला के विषय चर्चा को लेकर यहाँ पे गौशाला के समर्थन के लिए आया हूँ। आज जो आप नंदीशाला निर्माण को लेकर जो धरना चल रहा है यहाँ पर और यहाँ पर आप समर्थन देने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे जल्दी से जल्दी इनका निर्माण कराया जाए, गौशाला के इनकी मांगे बिल्कुल जायज है, तो जल्दी से जल्दी इनका निर्माण कराया जाए। और जल्दी निर्माण नहीं शुरू हुआ तो फिर क्या करना रहेगा आपका? तो भी इनके राय से जन समर्थन पार्टी इनके सहयोग में धरने पर बैठेगी। आंदोलन करना पड़ा तो साथ रहेगी? आंदोलन करना पड़ा इनके साथ रहेगी। कितनी संख्या में आओगे आप धरने प्रदर्शन में? निर्माण की मांग को लेकर गोभक्त पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं, आप आए हो समर्थन देने, क्या कहना है बताओ आपका? उसके समर्थन में इनके साथ आए, इनकी मांग बिल्कुल वाजिब है। और पिछली बार भी जब माननीय हीरोलाल जी मीणा साहब और सत्यनारायण जी महाराज और मैं स्वयं भी उनके साथ इस आंदोलन में आया था और हम गोभक्तों के साथ कलेक्टर साहब के घर प्रदर्शन करने गए थे, वहाँ सब बातों पर सहमति बनी थी और उसके बाद धरना समाप्त हुआ था। तब से लेकर अब तक इतने लंबे अंतराल में इनको नंदी गौशाला नहीं दिया जाना, जिसकी बदौलत आज ही सब लोग इस लोकतांत्रिक आंदोलन को धरने के माध्यम से कर, मेरी अभी सब गोबत भक्तों से बात हुई, मेरी कोशिश है कि मैं कलेक्टर से बात करके और इस विषय पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो इसके लिए उनसे चर्चा करूँगा। और इस मामले में जो अब तक देरी हो रही है और गोभक्तों को सड़क पर आना पड़ रहा है, क्योंकि पहले ये वेटरनरी हॉस्पिटल में गौसेवा का कार्य कर रहे थे, आप वहाँ देख रहे हो वहाँ निर्माण चल रहा है, सारी छत वगैरह सामग्री पड़ी हुई है, छतें टूट गई है, 200-250 इनके पास गोवंश है, नगर परिषद को और जिला प्रशासन को इमीडिएट कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि शुरुआती तौर पर उनको वहाँ छाया, बिजली, पानी और बारिश का मौसम है, गौ माता के गोवंश के कुछ खराब नहीं हो उसके लिए सीमेंटेड बैठने के लिए यार्डशेड बना दिए और जो बाकी प्रक्रिया होनी है
वो बाकी प्रक्रिया भी जल्द से जल्द की जाए, ताकि एक लंबे समय से समाज में गौसेवक आगे आके गौसेवा करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ प्रशासन को, नगर परिषद को और सरकार को उनको 26 जनवरी पर जयपुर बुला के पुरस्कार देना चाहिए। समाज में से सारा काम छोड़कर ये लोग रात दिन जिस प्रकार से गौसेवा करते हैं, ये एक तरह से अनुकरणीय है। लोगों को सीखना चाहिए, सब कुछ समर्पित करके अगर समाज का कोई व्यक्तित्व काम कर रहा है तो वो सब सबके लिए प्रेरणादायक है। तो 4 साल से इनको हतोत्साहित किया जा रहा है, इनको कैसे डिस्करेज हो, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा कि इनके काम में दो कदम आगे बढ़ा के इनको सहयोग किया जाए। खूब लड़ाई लड़ते हैं, जब 2 माह चले 2.5 कोस का लेने, इतना टाइम गुजर गया, उसके बाद ये अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ घोषणा किए, कब काम करेंगे कब नहीं करेंगे स्पष्ट नहीं है। मैंने भी आयुक्त को भी फ़ोन किया है और मेरी उनसे ही बात हुई है, और हमारी कोशिश रही हम जब भी समिति तय करेगी हम लोग एक बार समिति के साथ जिला कलेक्टर से मिलेंगे, उनसे विस्तार से इस विषय में वार्ता करेंगे। आगे भी आंदोलन को लेकर जो भी ये संघर्ष समिति तय करेगी, गोपाल गौसे वाला संस्था, मैं इनके साथ हर तरह से रहूँगा। सभी शहर के में आप देख रहे हैं, शहर में कितनी बड़ी दुर्घटनाएं होगी, कितने लोग काल कलवित हो गए। ये कोई मजहब का या कोई धर्म का मामला नहीं है, सब तरह के लोग दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। और गौ माता हम सबकी, हिंदू धर्म में सारे देवता गौ माता के अंदर समाहित हैं, ईश्वर उसमें समाहित हैं। इस तरह से गौवंश की बेकदरी हो रही है, ये देखकर सब लोग धरती पर रुके हैं। छोटी काशी है, शहर की सड़कें भी सुगम रहे, अच्छी से अच्छी गौशाला चले, नंदीशाला चले, वो बहुत प्रशिक्षित हैं, इस बढ़िया शानदार इंतजाम के साथ सीमित व्यवस्थाएँ, सीमित जगह, लेकिन प्रबंध इतने बेहतर कर रखे हैं इन्होंने। मैं कई बार वहाँ गया हूँ, बहुत सारी व्यवस्थाएँ देखी, अगर इनको संसाधन जगह और प्रोत्साहन मिला तो ये आदर्श गौशाला बनाएगा। सभी सामाजिक और धार्मिक संगठनों का इनको सहयोग मिल रहा है, 14 दिन से धरना चल रहा है, क्या कारण है अभी तक? न तो जिला प्रशासन ने नगर परिषद के कानों में रुई तक जो तक नहीं रही। चाहते हैं अच्छी नंदी गौशाला बने, उसके लिए सबके मन की इच्छा है, और इनको एक लंबे समय से संघर्ष और काम करते हुए देखा है, समाज का इन पर ट्रस्ट है, इसलिए सब लोगों का समर्थन। इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? संघर्ष समिति, गोपाल गौसे संस्थान, गोपाल गौसे वाला संस्थान, संघर्ष समिति जो भी निर्णय करेगी, मैं इनके निर्णय में नहीं साथ। जन्म जन्म का नाता है, जय हमारी माता है, जय धर्म का
नाता है।